हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आरबी एडिटिव क्लास में तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं ये क्वेश्चन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से लिया गया है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन से क्वेश्चन नंबर सेवन है तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है बने रहिए इस वीडियो में अंत तक आपको बहुत ही मज़ा आएगा ठीक है तो चलो फिर देखते हैं इसमें हमसे बोला गया कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम ठीक है आप जैसे यहाँ पर वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन है तो जैसे ही स्टूडेंट देखेगा बोलेगा अरे इसे तो एडिशन करना है कर दो आंसर आ गया लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि विदाउट एडिंग मतलब आपको एडिशन करना नहीं है लेकिन इसका सम बताना है तो चूंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से क्वेश्चन लिया गया है तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है ठीक है तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है बस यहाँ पे इनको काउंट करना है कि भाई एक दो तीन चार पाँच ये कितने नंबर आए हैं देखो एक ये है दो तीन चार पांच कितने हैं? उसका आपको स्क्वायर कर देना है स्क्वायर कितना आ जाएगा? बस आंसर हो गया। मतलब कुछ नहीं ये है ऑड नंबर्स क्या है ऑड नंबर्स तो जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है उनके संख्या के स्क्वायर के इक्वल होता है तो यहाँ पर संख्या कितनी बार आई है पांच बार आई है तो पांच का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इसी प्रकार से इसमें हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है तो कितना आया है ये संख्या टेन आई है तो टेन का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हंड्रेड ठीक है मतलब देखते ही आंसर खत्म गिनना है स्क्वायर करना है आंसर कैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व का स्क्वायर कितना होगा फोर्टी फोर सॉरी वन हंड्रेड फोर्टी फोर बस आंसर खत्म ठीक है तो इसमें क्या होता है सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एंथ नंबर्स का स्क्वायर

एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है कि कितनी बार uh, नंबर आया हुआ है नंबर ऑफ टर्म ठीक है तो ये होता है सबसे सिंपल ये है कि आप इसको काउंट करना शुरू कर दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और ट्वेल्व का स्क्वायर कर दो आंसर ठीक है उम्मीद करता हूं इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो कमेंट भी कर देना ठीक है और शेयर भी कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए थैंक यू क्लास